कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है और इन्हीं चुनावी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने भी अपने उम्मीदवार वहां पर दमखम के साथ उतारे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा, इनका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं हुस्नेहा बात कर रहे हैं द थिंग पर। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर, और मैंने जैसे कि बताया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने अपने 220 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जाहिर कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्टार प्रचारकों की भी सूची आई है, जिसमें खास बात यह है कि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद जो अभी अभी बनाए गए हैं उनका भी नाम शामिल है। साथ ही आकाश आनंद, इनका भी नाम वहां पर शामिल है। और आपको ये भी बता दें कि वहां पर पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी इस समय बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है। 11 तारीख जो आने वाली है, इस 11 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी वहां पर खुद रैली करने वाली हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर एक जो माहौल है वो माहौल बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सकारात्मक हमको नज़र आ रहा है। आपको बता दें, इसके पहले पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस की रही हैं, उनकी सरकार रही हैं और उनके शासनकाल के बाद अभी जो है वो लोगों में काफ़ी निराशा आज नज़र आ रही है, जिसका फ़ायदा भाजपा भी लेना चाह रही है। और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ उनके प्रतिद्वंदी यहाँ भाजपा भी आपको नज़र आ रही है। वही लेफ्ट भी वहाँ पर मैदान में है, कांग्रेस भी वहाँ पर मैदान में है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी मैदान में है। अब हम बात करेंगे ये तमाम पार्टियों की। तो जैसे तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है ममता बनर्जी हैं, जिनके नाम से ही आपको समझ में आता है कि वो एक सवर्ण समाज से बिलोंग करती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी सांप्रदायिक ताकतों को मद्देनजर रखते हुए वो भी एक सवर्ण प्रोटोकॉल को मेंटेन करती है, सवर्णों की व्यवस्था को, पूंजीपतियों की व्यवस्था को मेंटेन करती है। दूसरी बात अगर हम लेफ्ट की भी अगर करते हैं या वामपंथी की भी हम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वर्णवादी और जातिवादी व्यवस्था के ही वो प्रोत्साहन करने वाले रहे हैं, उसी को मानने वाले रहे हैं। और ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या फिर वामपंथी हो, ये तमाम जो सारे लोग हैं ये पूंजीपतियों का और सवर्णों का ही जो है नेतृत्व करते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर शेड्यूल ट्राइब जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है, काफी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग हैं। वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ज्यादा संख्या में है, वहां पर एससी शेड्यूल कास्ट वहां पर आपको दिखाई देगी। और ऐसे में ये जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज है, इनका नेतृत्व अगर आपको कहीं देखना है तो ये आपको इन पार्टियों में आपको नजर नहीं आएगा। ये आपको वामपंथियों की पार्टी में नजर नहीं आएगा, भाजपा में नजर नहीं आएगा, ये तृणमूल कांग्रेस में आपको इनका नेतृत्व नजर नहीं आएगा। तो इनकी बात आखिर करेगा कौन? इस देश के एससी एसटी ओबीसी की बात कौन करेगा? इस देश के माइनॉरिटी की बात कौन करेगा? और यही सवाल पश्चिम बंगाल में भी आज उठ रहा है और इसी सवाल का जवाब मैं आपको आज देना चाहती हूँ कि वहाँ पर तमाम जो सारे पार्टी है, जिसे हम तृणमूल कांग्रेस कहे, भारतीय जनता पार्टी कहे या फिर वामपंथी को अगर हम ले लेते हैं, तो तमाम सारे जो लोग हैं वो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं और सवर्ण विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जो है वो बहुमत हासिल करती है, उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन सरकार बनाने वाली है, कौन सी पार्टी वहां सरकार में बैठने वाली है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर कोई भी पार्टी वहां पर सत्ता में आती है तो वो सवर्ण मानसिकता को ध्यान में रखते हुए आए और इस बात के लिए वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी भी देने के लिए कई बार तैयार रहती है। आपको मालूम होगा कई बार कांग्रेस ने भाजपा को मौका दिया है और भाजपा ने कई बार कांग्रेस को मौका दिया। वो क्यों दिया? वो इसी मानसिकता को देखते हुए दिया, इसी विचारधारा को देखते हुए दिया कि भाई हम भी सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, हम भी इस देश के अंदर जो विषमतावादी व्यवस्था है उसको मानने वाले लोग हैं और ये भी उसी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में हम राज करें या ये राज करें, बात तो एक ही है। तो
ऐसे में दबे कुचले समाज की आवाज कौन बनेगा? ऐसे में इस देश के अंदर मुस्लिमों पर होने वाले अन्याय अत्याचारों पर रोक कौन लगाएगा? ऐसे में इस देश के आदिवासियों को उनके हक अधिकार कौन लौटाएगा? तो आपको मैं बता दूं, ये अगर कोई कर सकता है तो ये बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, जो कि पश्चिम बंगाल को एक नई आशा और एक नई उम्मीद के साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ, इस बहुजन समाज का जो तबका है, खासकर आदिवासी है, दलित है और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है, वो काफ़ी आशा के साथ वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों में, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफ़ी उत्साह आपको नजर आएगा। बहन कुमारी मायावती जी ने वहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से सावधानी पूर्वक प्रचार करने की बात कही है, सतर्कता से प्रचार प्रसार करने की, काम करने की उन्होंने बात कही है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो जो माहौल नज़र आ रहा है, वो आमने सामने का जो टकराव जो नज़र आ रहा है, तो वो एक माहौल भी बना रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के विरोध में अब भाजपा, मतलब ऐसा हो गया है कि अब वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी अब बची ही नहीं है, इस प्रकार का माहौल बनाने का वो ट्राई कर रहा है, वो प्रयत्न कर रहा है। लेकिन जो दलित शोषित समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो दलित है, जो मुस्लिम है, इनका अगर कोई हितेशी है और इनकी कोई बात करना चाहता है, कोई इनकी बात करेगा, तो यह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही करने वाली है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तमाम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तमाम लोगों के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी आज दमखम के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर मैदान में है। और बहन कुमारी मायावती जी ये स्वयं वहाँ पर रैली करने वाली है, साथ ही वहाँ के, आपको बता दूँ, बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है धर्मवीर अशोक, इनको वहाँ पर लगाया गया है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक जो है वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी जो है वो आगे की रणनीति बना रही है, आगे कूच कर रही है। तो बने रहिए द थिंग पर, आपको बताएंगे हम इसी प्रकार से चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को भी। तो बने रहिए द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।